तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने भाई और भाभियों के लिए राखी बना के रेडी कर लिया और आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत लग रही है। और खास हमने मौली का इस्तेमाल करके बनाई है, तो ये देखिए ये अपने में ही खास है। तो इस टाइप से आप भी बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हमने एक थ्रेड ले लिया है और उसमें ऐसे सुई डाल ली है, और यहाँ हमने ले लिए हैं कुछ छोटे वाले मोती और चार बड़े वाले मोती, और साथ ही हमने ले लिया है पर्ल कैप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा वाला मोती इस थ्रेड में ऐसे डाल लेंगे और यहाँ पर लास्ट में नॉट लगा लेंगे। एक नॉट लगाई हमने और नॉट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा जो थ्रेड दिख रहा है आपको वो कट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने ये थ्रेड को, मतलब इस मोती को यहाँ पे नॉट लगा लिया है। अब हम करेंगे क्या, इस नॉट लगाने के बाद अब हम ये बड़ा वाला मोती लेंगे और इसे ऐसे इंसर्ट करेंगे और इसके बाद एक पर्ल कैप डालेंगे। इस टाइप से हो गया। अब हम इसके बाद 10 से 12 मोती इसमें कंटिन्यूस छोटे वाले डालेंगे। ये जो छोटे वाले हैं ना, बिल्कुल इनको डालेंगे। तो कम से कम हमें 12 डाल लेने हैं। इस टाइप से इतने मोती हमने डाल दिए। तो 12 मोती मैंने इसमें डाल लिए। अब हम एक थ्रेड को यहाँ से थोड़ा सा गैप देके कट कर लेंगे। अब हमें सेम इसी तरीके से 3 और बना लेने, टोटल हमें 4 बनाने। तो यहाँ पर मैंने ये 4 को इस टाइप से बना लिया है। अब हमने 2 को लेना है, ये देखिए ये 2 ले लिए मैंने। अब इनको आपस में ऐसे नॉट लगा लेनी है, ये देखिए ऐसे और ऐसे, ये देखिए टाइट से नॉट लगा लेनी है। आप चाहे तो एक और लगा सकते हैं, और सेम इसको भी सेम नॉट लगा लेनी है। ये दोनों, ये चारों के चारों एक साथ बन गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में नॉट लगाएंगे टाइट से, बिल्कुल कसकर। दो नॉट लग गई, एक और लगा लेते हैं। चलिए खींच करके नॉट लगा लेना है जितने आपको, ये देखिए। तो ये इस टाइप से हो गया। अब हमें इसका जो थ्रेड है उसको कट कर लें। अब आप चाहें तो फेविकॉल की हेल्प से इन जो थ्रेड के जो एजेस हैं उनको आपस में चिपका सकते हैं, जिससे कि ये खुलने के बिल्कुल चांसेस खत्म हो जाए। ये देखिए इस टाइप से, और इसे ऐसे मिला लिया मैंने, ये देखिए। तो अब मैंने एक और थ्रेड लिया और इसे डबल कर लिया है, ये देखिए इतना है ये, और इसे डबल कर लिया। अब ये जिस तरफ से ओपन वाला साइड है, ये वाला साइड, उस तरफ दोनों को ऐसे पकड़ना है और इनके नीचे से ऐसे लेके जाकर यहाँ एक नॉट लगा लेनी है कसकर। ये देखिए इनके नीचे से यहाँ नॉट लगा लेंगे, बहुत कस के लगानी है, जैसे हमने नीचे वाले पे लगाई ऐसे ही। देखिए ऐसे करा एक नॉट, ये देखिए एक और नॉट। चलिए एक और लगा लेते हैं, ये टाइट से, और टाइट से, और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर लेंगे और इसके भी एजेस पे ग्लू लगा लेते हैं, देखिए जिससे इसका एज भी ओपन ना हो। बिल्कुल इस तरफ से हो गया, आपको ऐसे दिख रहा है ना, बिल्कुल सेम। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर के लिए लेंगे पर्ल कैप। अब हमने एक निडल लिया और इसमें ये धागा डाल रखा है और गांठ भी लगा रखी है। तो अब हम इसके अंदर से इसको ऐसे पिरोएंगे और यहाँ से एक पर्ल कैप इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इस टाइप से होने के बाद अब हम इसमें मोती डालेंगे। तो मोती डालने से पहले अब हम इसमें डालेंगे एक पर्ल कैप, ये देखिए, और ये देखिए, और इसके साथ यही वाला मोती, फिर एक और, ये देखिए इस टाइप से, और एक बड़ा वाला गोल्डन मोती, ये देखिए इस टाइप से, एक दो तीन चार हम छोटे वाले मोती डाल लेते हैं। सुई को निकाल लिया मैंने और अब यहाँ लास्ट में एक नॉट लगा लेते हैं, जिससे कि ये मोती ना खिसके नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भाभियों के लिए राखी बनके रेडी है और देखिए कितनी खूबसूरत सी लग रही है। ओके
कितनी सिंपल तरीके से हमने बना ली। तो आप इसमें मोती अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, थोड़े से कलरफुल डाल सकते हैं, पॉम-पॉम डाल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत सी राखी बन के रेडी हो गई है, ये देखिए। तो आज हम सिर्फ मौली से राखी बनाएंगे। तो ये रही मौली और इसे मैंने 3 भागों में बराबर बराबर बांट लिया है, देखिए 1, देखिए 2 एंड ये 3। तो 3 भागों में 3 मतलब 3 बराबर टुकड़े कर लिए हैं मैंने, वो भी डबल करके। अब तीनों को हमें यहाँ पे एक बराबर करते हुए यहाँ पे वहां बांधना है जहां तक आपको बांधने के लिए चाहिए, उतना आपको बांधने की छोड़कर आप यहाँ पे नॉट लगा लिए, देखिए। अब मुझे इतना बांधने के लिए चाहिए, मैंने इतना छोड़ दिया और यहाँ पर एक नॉट लगा ली। अब टेप की हेल्प से हम इसे टाइट कर लेंगे यानी कि सिक्योर कर लेंगे ताकि जब हम राखी बनाएं तो आसानी रहे। तो ये देखिए अब ये 3 भागों में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है, 1, 2 एंड 3। तो सेंटर वाले को भी सामने नीचे की तरफ हम टेप से सिक्योर कर लेंगे, ये देखिए। और ये 2 पार्ट से हम अब राखी बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इस तरफ से ऐसे किया और नीचे से हमने ये इधर को निकाला, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत राखियों में बताया है ये वाला पैटर्न। अब हमने इस तरफ से कर लिया, अब हम इस तरफ से करेंगे, ये देखिए। यानी कि एक बार एक साइड से और दूसरी बार दूसरी तरफ से, ये देखिए। अब हमने वापस से इस तरफ से करना है, यहां से डालते हुए, ये देखिए। और अब इस तरफ से, यहां से। आई होप आपको विजिबल है कि क्या पैटर्न बनता जा रहा है। अब इस तरफ से एक बार एक साइड से, एक बार एक साइड से हमें ये डिजाइन बनाना है। आई होप विजिबल हो रहा है ये डिज़ाइन, ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया। अब आप चाहो तो यहाँ पे एक मोती डाल सकते हो बीच वाले में, तो चलिए फिर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक मोती लिया है, 2 पर्ल कैप ले ली। अब हम ये एक सुई लेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी धागा डाल रखा है, तो अब हम इसे बीच वाले में ऐसे इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए इस सब से इसके अंदर ये डाला, पहले पर्ल कैप डाली उल्टी करके, उल्टे साइड से, ये देखिए। फिर हमने ये बड़ा वाला मोती डाला इसको भी, और फिर ये ऑपोजिट साइड में पर्ल कैप करके ये डाल दिया, और इस सुई को निकाल लिया, ये डिजाइन बना। अब वापस से हम टेप से इसे सिक्योर कर लेंगे। अब हम वापस से ये वाला डिजाइन कॉपी करेंगे, ये देखिए। फिर से वही, पहले इस तरफ से, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be in the great outdoors, forever free. देख रहे फ्रेंड्स इतना हो गया और यहाँ दोनों बराबर हो गए। अब हम इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे भी एक नॉट लगा लेंगे, इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पे भी हम एक नॉट लगा लेते हैं जिससे कि यहाँ पे भी फिनिशिंग आ जाए। अब ये नॉट लग गई, अब दोनों को नाप करके आप सेंटर ले लें और उसके बाद कट कर लें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ हमने भाई और भाभी के लिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल सी राखी बना के रेडी कर ली है और हमने यहाँ पे मौली का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।